So here, pay your attention to the following sentence. So here some of the sentence is given. Okay, so there the teacher are talking with the Mini. Teacher, why are you late today? Mini, the bus got late. I came to the stop on time. तो यहाँ पे टीचर्स मिनी से क्या पूछ रही हैं, तुम आज स्कूल लेट क्यों आई हो? सो व्हाट द मिनी रिप्लाइड, द बस गॉट लेट, बस लेट आई थी. आई केम टू द स्टॉप ऑन टाइम, मैं स्टॉप पे टाइम से आ गई थी बट बस लेट आई थी. टीचर व्हाई वाज इट लेट? मिनी, इट हैड गॉन फॉर रिपेयर. टीचर, व्हाई थॉमस मैक्स एंड क्रिस एब्सेंट टुडे? अब टीचर क्या पूछ रही है कि थॉमस मैक्स एंड क्रिस क्यों एब्सेंट हैं आज? मिनी, दे हैड गॉन टू मीट देयर रिलेटिव्स. वो कहाँ गए हैं? अपने रिलेटिव से मिलने. ओके, तो आपने सेंटेंस में एक चीज़ देखी, जब यहाँ पे टीचर व्हाई आर यू लेट टुडे, यहाँ पे टीचर मिनी से पूछी, तो मिनी अपने बारे में बता रही है. सो व्हाट शी इज़ यूजिंग आई. I came to the stop on time. अपने बारे में बता रही. Why was it late? मतलब ये यहाँ पे किसकी बात कर रही है? It यहाँ पे बस की बात कर रही है. It had gone for repair. So here we are talking about the bus. Teacher, why are Thomas, Max and Chris absent? Mini, they क्यों यूज़ कर रहा है? Thomas, Max and Chris तीनों को बताने के लिए. So here this is also the pronoun. Now let's move. Okay, so here it is given. In the above sentence, you have seen you written for Mini, I used for Mini herself, it used for Buzz, and they used for Thomas and Chris. Look at the sentence once again. So, why are you late? Here, you is used for Mini. क्योंकि टीचर मिनी से पूछ रही है ना. सो यू इज़ यूज फॉर मिनी. मिनी, आई बट द बस गॉट लेट. आई केम टू द स्टॉप ऑन टाइम. यहाँ मिनी अपने बारे में बता रही. आई इज़ यूज फॉर मिनी हरसेल्फ. मिनी ने खुद के लिए यूज़ करा है. देन टीचर, वाई वॉज इट लेट? तो यहाँ पे इट लेट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इट इज़ यूज फॉर द बस. एंड नेक्स्ट, and here the question teacher asked, why the Thomas, Max and Chris absent? So what many replied? They. So they is used for Thomas, Max and Chris. Okay, look at the remembers point. We use for singular. अगर हम singular की बात करते हैं, means अगर नाम singular form में है, तो हम क्या लिखेंगे? I, me, you, he, him, she, her, it. अगर सिंगुलर में है, अगर हम प्रोनाउन, अगर नाउन हमें दिया है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो उसकी प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे? आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट. आई और मी मैं अपने लिए यूज़ करूँगी. यू इज़ रेफरिंग टू अदर. ही अगर हम किसी का नाम लेके बात करें उसके लिए, बॉय है तो हिम, शी गर्ल है तो शी, गर्ल है तो हर. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पर्सन एंड थिंग. एंड प्लूरल में हम क्या यूज़ करेंगे? जब हम एक से ज़्यादा हों, यू, वी, अस, दे, देम. यू हम दूसरों को रिफ़र करने के लिए, वी हम जब हम वहाँ प्रेजेंट हो, अस में भी क्या होता है जब हम सब की बात कर रहे हों. दे एंड देम इज़ ऑल्सो यूज फॉर मोस्ट ऑफ देम. ओके नाउ, ओके, इट इज़ क्लियर दैट when a person tell about himself or herself individually, we use I. जब कोई भी person अपने बारे में बता रहा हो तो हम क्या use करते हैं? I. जैसे अभी हमने ऊपर sentence में देखा था, here when the teacher asked me why are you late, so what did the mini said? I came. तो जब हम इंडिविजुअली अपने बारे में बात करते होते हैं तो हम आई यूज़ करते हैं. जब हम अपने बारे में, कोई भी बॉय होगा, कोई भी गर्ल होगा, अगर हम अपने बारे में बता रहे हैं, वी यूज़ आई इन. ओके, सेकंड, व्हेन द पर्सन टॉक टू अदर पर्सन डायरेक्टली यू इज़ यूज इन दैट केस. अगर पर्सन डायरेक्टली दूसरे से बात कर रहा है, सो हियर इज़ द टीचर इज़ टॉकिंग टू द मिनी, राइट? हियर इज़ द टीचर
टॉकिंग टू द मिनी, वाई आर यू लेट. यहाँ किससे बात करिए, मिनी से बात करिए, बट टीचर किससे बात करिए, मिनी से. तो हेयर उसने मिनी की नाम लेने के लिए क्या यूज़ करा, यू, इट्स अ प्रोनाउन. मिनी ने अपने बारे में बताने के लिए क्या यूज़ करा, आई. इंडिविजुअली वो अकेले थी, दैट्स वाई ही यूज शी यूज़ आई. आई हर सेल्फ, खुद के बारे में अगर बता दी तो वह आई यूज़ करेगी. अगर हम डायरेक्टली किसी से पूछ रही हैं, बात कर रहे हैं, तो यू यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ पे टीचर मिनी से पूछ रही है डायरेक्टली, दैट्स वाई ही दैट वाई शी यूज़ यू. ओके, एंड द थर्ड इज व्हेन वी टॉक अबाउट सम अदर पर्सन और थिंग, वी यूज़ ही शी इट. जब हम किसी पर्सन, अदर पर्सन के बारे में बात करते हैं, या पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं ही, शी एंड इट. ही, शी एंड इट. जब हम अदर पर्सन के बारे में बात करते होते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ही, शी, नहीं तो इट. अगर हम सामने निशांत वाला, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, निशांत इज एन ओबीडियंट बॉय, ही इज, कम टू द पैराग्राफ फर्स्ट. ओके, सो हेयर इज द, निशांत इज एन ओबीडियंट बॉय. निशांत इज द अदर मेम्बर. नाउ यहाँ मैं डायरेक्टली इससे बात करी, मैं बता रही हूँ निशांत इज एन ओबीडियंट बॉय, निशांत स्टडीज इन क्लास थ्री, एंड निशांत फादर इज एन ऑफिसर. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, निशांत इज अ ओबीडियंट बॉय, फर्स्टली वी यूज द नाउन, देन ही बॉय है, यहाँ पे हम ही यूज़ करेंगे, स्टडीज इन क्लास थ्री, और हिज फादर मतलब हम उसके फादर के बारे में बताएंगे, तो हिज फादर इज एन ऑफिसर. अगर यहाँ पे गर्ल होती तो हम क्या यूज़ करते, शी एंड हर. यहाँ पे हिज की जगह हम यूज़ करते हैं हर फादर. ओके, नाउ क्लास, सो व्हाट इज़ प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. हम नाउन की प्लेस पे जो वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे ही, शी, इट, दे, दीज आर कॉल्ड द प्रोनाउन. नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज.